बुंदेलखंड वीरों की भूमि मानी जाती है। यहाँ पर स्थित किले, महल और कई स्थान आज भी राजा रजवाड़ों की वीरता के कई किस्से सुना रहे हैं। यहाँ पर पुरातन काल की कई यादें आज भी सीना ताने खड़ी हुई हैं। यहाँ पर कदम कदम पर आपको कई शिल्प कला और कई ऐसी गुजरे जमाने की यादें देखने को मिलेंगी, जिनसे आप पुरातन काल के जो प्राचीन काल था उसकी भव्यता की अनुमान लगा सकती हो कि वह पुराने जो राजा रजवाड़े होते थे, कैसा उनका रहन सहन था, किस प्रकार से वो रहते थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम अपने सफर में आ चुके हैं बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में स्थित बलदेवगढ़ किले के पास, जो कि काफी सुरक्षित किला माना जाता है। और इस किले का निर्माण महज जो गोला बारूद और सैन्य बल के लिए किया गया था, ताकि सैनिक यहां पर सैनिक मुख्यालय बन सके, सैनिकों के लिए अड्डा बन सके और जो गोला बारूद है, जो युद्ध सामग्री है, उसका यहाँ पर भंडारण हो सके। लेकिन यह किला सबसे सुरक्षित किलों में से माना जाता है, क्योंकि यह तीनों तरफ से सागरों से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ ग्वाल सागर, तो दूसरी तरफ जुगल सागर, तो तीसरी तरफ धर्म सागर बताया जाता है, और जो आज भी मौजूद है। इस किले में इस तरह की तोप मौजूद है जो लगभग एक बार चली थी तो 36 किलोमीटर तक की जो औरतें गर्भ में बच्चे लिए हुए थे, जिन जो गर्भ धारण किए हुए थे, उनके गर्भ पात हो गए थे, उनके जो बच्चे थे यानी कि गर्भ गिर गए थे, क्योंकि उस तोप की गर्जना बहुत ही खतरनाक बताई जाती है, जो कि उस समय से एक बार ही चली, उसके बाद दोबारा उसको कभी भी उपयोग में नहीं लाया गया। उस तोप के पास भी हम आपको ले चलेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो उस तोप के जो गोले मौजूद है वो दिखाते हैं आपको। यहाँ से आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ जो युद्ध सामग्री भंडारण और सैन्य बल जो सैनिकों के लिए एक अड्डा था, यह किला उन्हीं के लिए बनाया गया था। तो सामने आपको जो तोप के गोले आज भी भारी मात्रा में दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर युद्ध सामग्री और जो सैन्य सामग्री बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी। लेकिन एक बार यहाँ पर किसी ने जो सिगरेट पी के फेंक दी, उसकी वजह से यहाँ पर काफी नुकसान हुआ और बहुत सारा यहाँ से जो सामान था सरकार ने स्थानांतरित कर दिया, वरना बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता। अब हम आपको यहाँ पर ले चल रहे हैं उस समय की जेल के पास, जो बिल्कुल सबसे जो महल पर हम एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले दिखाई देती है। सामने ही आपको ये दिखाई दे रही होगी, उसी के पास हम ले चल रहे हैं। ये सारी देखिए, यहाँ पर भी ये जो उपस्थित है ये भी जेलें ही है। उस समय यहाँ पर कैदियों को इन्हीं जेलों के अंदर बंद किया जाता था। आइए उस समय की जेलें देखते हैं, उस समय किस प्रकार की जेलें हुआ करती थी। इसी जेल के अंदर हम जाकर स्वयं देखेंगे। ये देखिए, उस समय की जेलें इस प्रकार होती थी। आप इसके अंदर आओगे तो ये देखिए, यहाँ पर जो कैदी थे उनके इस पर जो रात में सोने के लिए, यानी कि जो चबूतरा बना हुआ है, इस पर बिस्तर लगाकर वो सोया करते थे। और यहाँ पर जो आप देखोगे तो ये सैनिकों के लिए हमाम खाना था, जिसमें वो जो बाथरूम वगैरह, यानी कि हमाम खाने का मतलब आप स्वयं समझते हो, उसके लिए उपयोग किया गया था। यहाँ पर रात में जो दिए वगैरह धरने के लिए बनाया गया था, ताकि इस जेल में रोशनी रह सके। और सामने आपको ये जो बड़ी सी अलमारी दिखाई दे रही है, तो जो कैदी थे उनका सामान वगैरह, जैसे कि उनके कपड़े वगैरह, इसी में रखे जाते थे। ऐसी यहाँ पर कई सारी जेलें बनी हुई है। और भी यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर भी कुछ जो पानी वगैरह रखने के लिए बनाया गया था। अब यहाँ से हम चलते हैं महल की ओर। महल का अगर आप आकार देखोगे तो यह काफी बड़ा है और काफी मजबूत किला माना जाता है। इसका निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ और किस के लिए इसका निर्माण करवाया गया था वो मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले देखिए, यहाँ पर काफी सारी जेलें मौजूद हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर भी एक जेल आपको दिखाई देगी। सबसे पहले जब हम इस किले के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो हमें लोहे का गेट देखने को मिलेगा, जिसमें एक छोटा सा गेट भी लगा रहता है। इसी तरह का गेट
17 से 18वीं शताब्दी में एक लकड़ी का लगा रहता था यहाँ पर, लेकिन वह गेट टूट जाने की वजह से लोहे का लखवा दिया गया है प्रशासन द्वारा। आप देख सकते हो लकड़ी का यहाँ पर जो भीमी डला हुआ है जिस पर ये गेट लगा रहता था। अब इसके अंदर हम एंट्री लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो हमें दोनों तरफ सैनिकों के बैठने के लिए जो स्थान है, जो चबूतरे हैं, देखने को मिलेंगे। दोनों तरफ यहाँ पर सैनिक बैठे रहते थे इस गेट की सुरक्षा में, किले की सुरक्षा में। और जैसे ही हम यहाँ पर आंगन में एंट्री लेंगे तो सबसे पहले एक विशाल जो अशोक का पेड़ है वो देखने को मिलेगा, जिसके पास ये तोप के गोले रखे हुए हैं, जो यहाँ की सबसे खतरनाक तोप है उसी के गोले हैं, जिनका वजन लगभग, इस गोले का वजन होगा 50 किलो और लगभग उसका 25 से 30 किलो से कम नहीं। ये दोनों गोले उसी तोप के हैं जो यहाँ की सबसे खतरनाक तोप मानी जाती है, जो विश्वविख्यात है। तो उस तोप के पास भी ले चलेंगे। उससे पहले हम यहाँ के सामने देखते हैं तो हमको ये तीन मेहराव वाले जो दरवाजे दिखते हैं, इन दरवाजों से होकर हम उस रहस्यमय कुआ के पास पहुंच सकते हैं जिसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं, जिसकी गहराई का लगभग कोई भी पता नहीं। तो हम उस कुएं की ओर ही बढ़ रहे हैं जिसमें हमें यहाँ पर अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है, अंधेरा है काफी। तो हम मोबाइल यूज करते हैं, टॉर्च यूज करते हैं। दीजिए, अब हम यहाँ से उस रहस्यमय कुएं की तरफ जाते हैं, जो रहस्यमय कुआ है उसी के पास जा रहे हैं। तो ये देखिए, अंधेरे की वजह से यहाँ पर टॉर्च भी लिए फिर भी काफी अंधेरा है, और अभी उसी के पास हम पहुंच चुके हैं जिसकी गहराई का लगभग अभी कोई भी पता नहीं। पूरा इसका गहराई दिखता ही नहीं है, सिर्फ अंधकार दिखता है। दिखाइए, दिखेगा तो सिर्फ अंधकार, और इसमें काफी चमगादड़ भरे हुए हैं, और इसकी पूरी गहराई लगभग आज तक किसी ने नहीं देखी, ना ही इसके जो रहस्य है वो अनसुलझे हैं, कोई भी उनको सुलझा नहीं पाया है। अब हम यहां से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अब हम इसके ऊपर आ चुके हैं तो आप देखोगे इस तरफ एक दरवाजा बना हुआ है जो कि राजा और रानी के महल की ओर जाता है, और इस तरफ भी काफी जो कमरे बने हुए हैं, और इस तरफ भी काफी जो कमरे बने हुए हैं। तो आप तो जानते ही हो कि जहां पर भी राजा लोग निवास करते थे वहां पर उनके सेनापति, सेना, सारा साम्राज्य रहता था। इसलिए जो अधिकांश कमरे बने हुए हैं तो मुख्यतः कोई मंत्री का होगा, कोई सेनापति का होगा। और अब यहाँ पर हम जब हम आए हैं तो जो रहस्यमय कुआ अभी हमने आपको अंदर से जाकर दिखाया है उसको यहाँ से भी आप देख सकते हो, लेकिन यह काफी गहरा है तो सरकार ने इस पर ही जाल डाल रखा है जिसके अंदर सिर्फ अंधकार दिखता है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ये उसी कुएं में रोशनी के लिए बनाया गया था ताकि उसका अंधकार थोड़ा कम हो सके। यहाँ से जब हम ऊपर की ओर आएंगे, जो गोले देखने के बाद, जो गर्भगिरावन तोप के जो गोले देखने के बाद जब इसके ऊपर आएंगे तो ये आंगन आपको दिखेगा, ये छोटे छोटे मेहराव वाले दरवाजे आपको दिखेंगे, और इसके ही सामने लगा हुआ है राजा महल। यहाँ पर राजा का निवास रहता था। तो आइए आज देखते हैं राजा के निवास की क्या हालत है, किस तरह से आज ये दिखाई देता है, और क्या कुछ इसमें आज बचा हुआ है। आइए तो इसकी सुंदरता देखते हैं। यहाँ पर राजा अधिकांश बैठा करते थे क्योंकि इसे हवा महल कहा जाता है। इसमें आप चारों तरफ देखोगे तो ये तीन तीन छोटे छोटे मेहराव वाले दरवाजे आपको दिखाई देंगे, सामने एक खुला हुआ आंगन आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर ये जो गड्ढे खोदे गए थे उस समय आप देख सकते हो ये किस मार्जन से खोदे गए थे, क्योंकि इसमें ठंडा पानी रखा जाता था और यहाँ से हवा आती थी तो जो हवा है और भी अधिक ठंडी हो जाती थी। देख सकते हो कितनी कारीगरी से, कितनी कलाकारी से इसको बनाया गया है, क्योंकि ये हवा महल है, राजा के लिए विशेष था ये। यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे जो मेहराब वाले दरवाजे और ये छोटा सा आंगन दिखेगा, और इस आंगन से होते हुए राजा का एक और कक्ष आपको दिखाई पड़ेगा, उसके पास भी चलते हैं। अब हम जिस कक्ष पर आ चुके हैं ये भी राजा का ही कक्ष है। देख सकते हो इसमें
ये जो छतियों से सीधा इसका निर्माण हुआ है और इसमें जगह जगह पर रोशनी के लिए जो दिए वगैरह धरने के लिए ये अलमारी बनाई गई है छोटी छोटी सी, और उस समय की ये डिजाइन भी आप देख सकते हो जो कि काफी यूनिक है और बहुत ही सुंदर है। यहाँ से आपको जो एक दानाल टाइप का छोटा सा बरामदा दिखेगा जहां पर राजा वगैरह यहाँ से बैठकर वो यहाँ पर दरवाजे तक देख सकते थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किस प्रकार का द्वारे क्रिया हो रहा है। द्वार का पूरा यहाँ से निगरानी किया जाता था ताकि राजा को पूरा यहाँ से जानकारी लग सके। देख सकते हो यहाँ से पूरा दिखाई देता है। अब यहाँ से हम अपने दो कदम और खींचते हैं तो यहाँ से खींचते हुए हम एक और इसी तरह का बरामदा आपको दिखाई देगा। ये देखिए उसी तरह का एक और बरामदा यहाँ पर बना हुआ है जिसकी डिजाइन बिल्कुल हूबहू जो उस तरफ बना हुआ था उससे मिलती है। इससे मालूम पड़ता है कि या तो ये राजा का कोई भाई था जिनके लिए हूबहू बिल्कुल एक जैसा ये बनवाया गया था, या फिर राजा का कोई खास सेनापति या मंत्री जिसके लिए बिल्कुल राजा ने अपने जैसा हूबहू यहाँ पर कक्ष बनवाए हुए थे। इस दोस्तों इस बल्देवगढ़ किले में के आने का हमारा मुख्य रीजन यही था कि हमको यहाँ की जो तोप थी जो विश्व विख्यात तोप है, शायद ही हो कि बुंदेलखंड में जब भी ताकत दिखाने की या साहस की कोई बात हो तो कोई व्यक्ति यही कहता है क्या तुम बल्देवगढ़ की तोप हो। आखिर ये क्यों कहता है, काफी दिनों से हमारे दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर लोग ये क्यों कहते हैं कि क्या तुम बल्देवगढ़ की तोप हो। तो हमने सोचा क्यों ना बल्देवगढ़ की तोप को देखा जाए और आखिर जाना जाए कि ऐसा क्या है इस तोप में। और यहाँ आकर हमने इस तोप को देखा तो हमारी जो आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों हमने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी तोप नहीं देखी, छोटी छोटी तोपें हुआ करती थी लेकिन कई महलों पर भी हम हो कर आए हैं लेकिन इतनी बड़ी तोप हमने कभी नहीं देखी। ये देखिए हम इसके अंदर जा रहे हैं और इसके अंदर आराम से जा सकते हैं। ये देखिए हम इसके अंदर चले गए फिर भी ये छोटी है, मतलब इसके अंदर हम चले जाएं और कोई और भी साथ में जा सकता है, इतनी बड़ी तोप है। इस तोप को तभी लोग इसीलिए बोलते थे कि अगर कोई भी साहस की बात हो तो लोग बल्देवगढ़ की तोप का नाम लोगों की जुबा पर आ जाना एक मामूली सी बात है। इस तोप का इतिहास अगर आप सुनोगे तो आप सुनकर आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों जब यह तोप बनी तो अपनी पूरी जो जब से ये बनी है सिर्फ एक बार ही चली है, इसके बाद दोबारा इसे चलाने की गलती नहीं की गई और ना ही भविष्य में कभी की जाएगी। क्योंकि जब यह तोप चली तो लगभग 36 किलोमीटर दूर जो भी औरतें गर्भ में बच्चा धारण किए हुए थी उनका गर्भपात हो गया, यानी कि उनके बच्चे जो गिर गए इस तोप की गर्जना से। इतनी भयंकर गर्जना हुई कि 36 किलोमीटर तक जितने भी औरतें गर्भ में बच्चा लिए हुए थी उनके गर्भपात हो गए। इसके बाद यहाँ के महाराजा विक्रमादित्य सिंह जी ने इसका कभी भी दोबारा उपयोग नहीं किया। इसकी बनावट देखिए तो ये जो कई धातुओं से मिलकर बनी हुई है इतनी मजबूत है और इतनी बड़ी है कि कम से कम 50 लोग भी इसको हिला नहीं सकते। कितनी मजबूती से इसको बनाया गया है आप स्वयं देख सकते हो। और आखिर क्यों इसे बनाया गया था, ऐसी क्या जरूरत थी। अगर यह तोप जो इसकी जो मार की अगर बात करें तो 36 किलोमीटर दूर तक यह मार कर देती है। आप समझ सकते हो 36 किलोमीटर कितनी दूर होती होगी। यहाँ से लगभग कई किलोमीटर दूर तक जो अगर दुश्मन आक्रमण करता है तो समझिए उनका क्या हाल हुआ होगा जब इसकी मात्र गर्जना से 36 किलोमीटर दूर की औरतों के गर्भपात हो जाते हैं। दोस्तों हम तो इस तोप को देखकर स्वयं हैरान हैं। आखिर कैसे इसको बनाया होगा, क्या कारीगरी रही होगी। और इस तोप के गोले भी आपने देखे हैं, इतने बड़े बड़े गोले होते होंगे। देखिए हम जब इसमें बैठ अगर हम इसको बैठकर भी पार करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। ये देखिए मैं बार बार इसके अंदर जा रहा हूँ लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसको बनाया किस कारीगर ने।